मैं दिल्ली हूं। मैं देख रही थी चंदवरदाय की दुविधा। प्रेम और कर्तव्य की सुलझन से निकलकर वो चकोरी से मिले। जब चंदवरदाई ने चकोरी के सामने गुप्तचर वाली बात की, तब चकोरी चौंक पड़ी। मगर उसने चतुर गुप्तचर की तरह चंदवरदाई को चुनौती दी कि अगर उस पर संदेह है तो उसे महाराज पृथ्वीराज के सामने प्रस्तुत किया जाए। तभी राजक मल्ल ने चंदवरदाई पर खंजर से वार किया, जिसे चकोरी ने अपने बाजू पर झेलकर चंदवरदाई को बचा लिया और सारा संदेह राजक मल्ल पर चला गया। इधर चकोरी घायल थी, उधर महाराज अनंगपाल तोमर ने उसे बुलाया महाशिवरात्रि के उत्सव में नृत्य करने के लिए। चकोरी यह सुनकर चौंक पड़ी कि उस रात महाराज अनंगपाल भगवान शिव के प्रसाद से अपना व्रत तोड़ने के लिए प्रसाद चकोरी के हाथों से ग्रहण करेंगे। नृत्य शुरू हुआ। चकोरी ने प्रसाद में विष मिलाया और उस प्रसाद को कवि चंदवरदाई ने पी लिया। चंदवरदाई के प्राण संकट में थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय न था। तब चकोरी आई और उसने कहा, मेरे पास उपाय है इसका। मुझे खेद है महाराज, मेरे पास कोई औषधि नहीं इस विष को उतारने के लिए, और समय बहुत कम है। विष सारे शरीर में फैल रहा है। महाराज, अब कवि चंद्रवरदाई के प्राण बचाना कठिन ही नहीं, असंभव है मेरे लिए। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मगर मेरे पास उपाय है इसका। चकोरी तुम? हाँ महाराज, यहाँ आने से पहले नृत्य प्रदर्शन के लिए कई राज्यों का भ्रमण कर चुकी हूँ। मेरे गुरुदेव लक्ष्मी महाराज ने मुझे ये औषधि विशेषकर ऐसे ही अवसरों के लिए दी थी, क्योंकि कई नर्तकियाँ मुझसे जलकर इसी तरह मुझे भी मार डालने की कोशिश कर चुकी हैं। मगर ये औषधि हर प्रकार के विष का तोड़ है। ये रामबाण है। तो जल्दी करो चकोरी, जल्दी करो। चंदवरदाई, वैद्यराज, देखिए, महाराज ये तो चमत्कार हो गया। जो नाड़ी डूब रही थी वो फिर से चलने लगी अपनी गति से। विष का प्रभाव भी कम हो गया है। ये औषधि नहीं, लगता है संजीवनी बूटी है। चंदवरदाई, मेरे मित्र, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? चकोरी, तुमने हमारे मित्र की जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है हम पर। महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। महाराज, इस समय कविराज को विश्राम की आवश्यकता है। यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं कविराज के पास रहना चाहूंगी। हाँ, क्यों नहीं, किसी ना किसी व्यक्ति को तो रहना ही पड़ेगा इनके साथ। अच्छा कविराज, हम लोग चलते हैं। चकोरी है तुम्हारी देखभाल के लिए। आइए नाना साहब। चकोरी, अब भी किसी को संदेह नहीं हुआ है तुम पर। अब भी अवसर है, तुम राजमहल छोड़कर कन्नौज जा सकती हो। कविराज,
ऐसा क्यों किया आपने? चकोरी, जैसे ही महाराज पृथ्वीराज चौहान ने मुझसे ये कहा कि हम दोनों की बात तुम्हारे कान तक कैसे पहुंची, मैंने केवल तुम पर संदेह ही नहीं किया था बल्कि मुझे विश्वास हो गया था कि तुम ही कन्नौज की गुप्तचर हो, और तब से मैं तुम पर निरंतर आंख लगाए बैठा था। मैं देख रहा था चकोरी कि तुम किस तरह भगवान शिव के प्रसाद में विष मिला रही थी। मैं चाहता तो तुम्हें उसी समय रंगे हाथों पकड़ सकता था, मगर मैं ये सोच रहा था चकोरी कि ये स्त्री का कौन सा रूप है। मैंने तो प्रेम किया है तुमसे, एक ऐसी स्त्री से प्रेम जिसका तन कला और सौंदर्य की मूरत है, मगर मन छल कपट और षड्यंत्र से भरा हुआ है। तुमसे प्रेम करके तो मैं खुद अपनी नजरों में गिर चुका हूं, और अगर मैं तुम पर आरोप लगाता हूं तो यह आरोप तुम्हें नहीं प्रेम को बदनाम करेगा, विश्वास को बदनाम करेगा। मुझे तो अपने जीवन से घृणा हो गई है, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर कोई उपकार नहीं किया बल्कि एक निर्लज्ज जीवन गुजारने के लिए जिंदा छोड़ दिया है। तुम मेरी प्रेमिका नहीं, इस राज्य की शत्रु हो। चली जाओ मेरे सामने से, चली जाओ। प्रणाम महाराज। चकोरी तुम, क्या बात है, कभी चंद्रवरदाई की तबीयत तो ठीक है? अब वो बिल्कुल ठीक है, उनके प्राणों को कोई संकट नहीं। हाँ। चकोरी, अगर तुम समय पर वो औषधि न लाती तो मित्र चंद्रवरदाई के प्राण कभी नहीं बच सकते थे। चंद्रवरदाई के प्राण बचाकर तुम हमारे पुरस्कार की हकदार बन गई हो, तुम्हें जो भी पुरस्कार चाहिए मांग सकती हो हमसे। महाराज, इससे पहले भी आपने पुरस्कार देने की बात की थी, तब मैंने कहा था कि जब अवसर आएगा तो मांग लूंगी आपसे। हमें याद है चकोरी, सब याद है, हमने वचन दिया है तुम्हें। तो महाराज, आज उसका अवसर आ गया है। तो मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, मुझे आशा है कि आप अपने वचन से फिरेंगे नहीं। चकोरी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि राजपूत जान हारता है, वचन नहीं हारता? तो महाराज, मुझे पुरस्कार के रूप में एक प्याला विष चाहिए। विष का पुरस्कार? पुरस्कार नहीं, ये दंड है मेरे उस पाप का जो मैंने किया है। शायद आप नहीं जानते,
कि जो विष भगवान शिव के प्रसाद में मिलाया गया था वो किसी रसोई का काम नहीं था। हम जानते हैं कि यह काम तुमने किया है चकोरी। हां चकोरी, हम जानते हैं। तुम क्या समझती हो, जो विष कविराज ने खाया और जिसका तोड़ हमारे राजवैद्य के पास नहीं था, उस औषधि का तुम्हारे पास होना क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो विष भी तुम्हारा ही था और उसका तोड़ भी तुम्हारे ही पास था? मगर एक बात हमारी समझ में नहीं आई चकोरी, कि जो विष तुम महाराज अनंगपाल तोमर को देना चाहती थी, जो बाद में कविराज ने खा लिया, इस अवसर का लाभ उठाकर तुम वहां से चली क्यों नहीं गई? महाराज, मैं कर्तव्य और प्रेम के बीच में फंसकर रह गई। अब यह बात तो सिद्ध हो चुकी है कि मैं कन्नौज राज्य की गुप्तचर हूं और गुप्तचरी की सजा मौत है। महाराज, बस अब एक ही प्रार्थना है कि मुझे विष पीकर मर जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है चकोरी, जो विष तुम मांग रही हो उसे पुरस्कार के रूप में हम तुम्हें जरूर देंगे। हुकुम अन्नदाता। एक विष का प्याला लाओ। जी। सुना नहीं क्या कहा हमने? जो आज्ञा अन्नदाता। जल्दी। अन्नदाता। लो चकोरी, हमने अपना वचन पूरा कर दिया। पियो। ये विष नहीं है, आपने मेरे साथ उपहास किया है। चकोरी, तुम तो जानती हो कि पृथ्वीराज चौहान स्त्रियों का कितना सम्मान करता है। तुम भी एक स्त्री हो और हम किसी स्त्री की हत्या नहीं कर सकते। हमारी नजर में स्त्री मां है, बहन है, पुत्री है, पत्नी है, प्रेमिका है। चकोरी, हमारे राज्य में स्त्री का सम्मान किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। महाराज, मैं स्त्री कहलाने के योग्य नहीं हूं और जो अपराध मैंने किया है वो भी क्षमा के योग्य नहीं है। नहीं चकोरी, विष पीकर तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि कन्नौज की गुप्तचर चकोरी मर चुकी है। तुम तो हमारे मित्र कवि चंद्रवरदाई की प्रेमिका चकोरी हो, इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए कि हम तुम्हारी आंखों में प्रायश्चित के आंसू देख रहे हैं। जाओ चकोरी, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। वाह पुत्र, वाह। प्रणाम नाना सर। प्रणाम। चिरंजीवी रहो पुत्र पृथ्वीराज। जी। तुमने ये निर्णय लेकर हमारी परंपरा को जिंदा रखा है। मगर महाराज, मैं तो आपकी अपराधी हूं। चकोरी, तुम्हारा ही अपराध
क्षमा के योग्य नहीं था, परंतु चंदवरदाई के प्राण बचाकर तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारे सीने में एक स्त्री का हृदय है। तुमने अपने कर्तव्य को भूलकर अपने प्रेम को बचा लिया। प्रेम और ममता एक स्त्री का सबसे बड़ा गहना है। एक बात बताओ चकोरी, तुम अपने प्राणों को संकट में डालकर जयचंद जैसे व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने यहां आई हो, जिसके राज्य में कभी स्त्रियों का सम्मान ही नहीं हुआ है? चकोरी, तुम्हें अनंगपुर भेजकर जयचंद ने फिर स्त्रियों का अपमान किया है, क्योंकि स्त्री अपनी मर्यादा में रहे तभी स्त्री है। हम तुम्हें एक अवसर देते हैं इस पाप के प्रायश्चित का जो तुमने एक स्त्री होकर किया है। महाराज, आपने मुझे क्षमा करके ऐसा दंड दिया है जिसका प्रायश्चित अगर मैं इस जन्म में ना करूं तो जन्म जन्म तक पाप का ये बोझ मेरी आत्मा पर रहेगा। हर जन्म में मैं अपने आप को दुत्कारती रहूंगी। महाराज, मैं वचन देती हूं कि आज से जयचंद और कन्नौज की गुप्तचर चकोरी मर चुकी है। हाँ महाराज, आज से मैं एक नया जीवन आरंभ करने जा रही हूँ। आज के बाद मेरा जीना और मरना केवल आपके लिए होगा, अनंगपुर के लिए होगा, स्त्रियों के लिए होगा, स्त्रियों के सम्मान के लिए होगा और मेरे चंद्रवरदाई के लिए होगा। कविराज। चकोरी, फिर क्यों वापस आ गई तुम? क्या तुम मुझसे ये कहने आई हो कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूं? नहीं। तब तो मैं तुम्हें सजा भी नहीं दे सकता। अगर ये मेरे लिए संभव होता तो मैं विष ही क्यों पीता? चकोरी, एक भूल की थी मैंने जो तुमसे प्रेम कर बैठा, और शायद ये भूल भी नहीं थी मेरी, क्योंकि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। मगर मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे उस चकोरी से प्रेम हुआ जो चंद्रवरदाई की प्रेमिका नहीं बल्कि शत्रु की भेजी हुई एक ऐसी चिंगारी है जो अनंगपुर का अस्तित्व मिटाने आई है, जिसका प्रेम एक धोखा है। और मेरी मजबूरी यह है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। चकोरी, अभी समय है, कन्नौज वापस चली जाओ। मैं अपनी इस भूल को अपने सीने में दबाए रखूंगा और तुम्हारी असलियत किसी को भी नहीं बताऊंगा। मगर कविराज, मैंने अपनी असलियत महाराज पृथ्वीराज चौहान पर जाहिर कर दी है। क्या? हाँ, महाराज पृथ्वीराज चौहान ये जान गए हैं कि मैं कन्नौज राज्य की गुप्तचर हूं। हाँ कविराज, मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। तब तुम्हारे लिए कौन सी सजा तय की उन्होंने? उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया। क्षमा कर दिया? क्योंकि मैं एक स्त्री हूं और इस राज्य में स्त्री को दंड नहीं दिया जाता, उसका सम्मान किया जाता है। महाराज पृथ्वीराज चौहान ने मुझे प्रायश्चित करने का एक अवसर दिया है, और अगर मैंने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कविराज, मैंने उस चकोरी को मार दिया है जो कन्नौज से गुप्तचर बनकर आई थी। अब जो चकोरी जिंदा है वो एक स्त्री है, कवि चंद्रवरदाई की प्रेमिका है।
कविराज, मगर मैं फिर भी अपने आप को अपराधी मानती हूँ और तब तक मानती रहूंगी जब तक आप मुझे क्षमा नहीं कर देंगे। चकोरी, महाराज पृथ्वीराज चौहान ने भले ही तुम्हें क्षमा कर दिया हो, मगर अब भी तुम्हारे कंधों पर अपराध का एक बोझ है कि तुमने गुप्तचर राजकमल को भगाने में उसकी सहायता की है, और जब तक तुम राजकमल को पकड़कर महाराज पृथ्वीराज चौहान के सामने नहीं ले आती, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। नहीं कविराज। महाराज, ले आओ। आपका अपराधी आपके सामने है कविराज। राजकमल? हाँ, हमने आपसे कहा था ना कविराज कि अनंगपुर की सीमाएं हमारी बाहों की तरह हैं, इन्हें कोई पार नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं कविराज कि हम इन सब बातों से अनजान थे? जब हमने कन्नौज में ही गुप्तचर की बात सुनी तो सबसे पहले हमारा शक चकोरी पर ही गया था, और चूंकि राजकमल चकोरी का खास साजिंदा है इसलिए हमारी नजर उस पर भी थी। फिर यह कैसे मुमकिन था कि वो हमारे हाथों से बच के निकल जाता? कविराज, चकोरी ने तो अपने अपराध का प्रायश्चित कर लिया है और हमने इसे क्षमा भी कर दिया है, मगर राजकमल? राजकमल एक गुप्तचर है और यह अच्छी तरह जानता है कि एक गुप्तचर को क्या दंड दिया जाता है। ले जाओ इसे। हमने एक और निर्णय किया है कविराज। अब चकोरी अनंगपुर में नहीं रहेगी। महाराज? हाँ कविराज, चकोरी कन्नौज की गुप्तचर बनकर अनंगपुर आई थी, मगर अब अनंगपुर की गुप्तचर बनकर कन्नौज जाएगी। जयचंद की जय हो। चकोरी, तुम कन्नौज कैसे वापस आ गई? महाराज, दृष्टता के लिए क्षमा चाहती हूँ, मगर जिस तरह आप मुझे देखकर चौंक पड़े हैं उसी तरह मैं भी महाराज पृथ्वीराज चौहान की अनंगपुर में वापसी देखकर ना केवल चौंक पड़ी बल्कि मेरे तो प्राण ही निकल गए। महाराज, क्या पृथ्वीराज चौहान के कन्नौज में होने का संदेश आपको प्राप्त नहीं हुआ था? संदेश तो मिल गया था चकोरी, और हमने उचित कार्रवाई भी की, लेकिन इसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान बचकर निकल गया। महाराज, क्या आपने इस बात की हमें सूचना देना उचित नहीं समझा? महाराज पृथ्वीराज चौहान को इस बात का संदेह हो गया कि आपका कोई गुप्तचर अनंगपुर में है। अगर आपने इस बात की सूचना हमें दे दी होती तो मेरे साथ रजकमल भी वहां से निकलने में कामयाब हो गया होता। तो रजकमल? उसे तो बंदी बना लिया गया महाराज, मगर मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के यहां पहुंची हूं। चकोरी, तुम्हारे यहां वापस लौट आने की हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कन्नौज एक कुशल गुप्तचर से वंचित हो जाता। महाराज, मेरी ही तरह रजकमल भी आपका गुप्तचर है, उसने भी अपने प्राणों को संकट में डालकर आपके राज्य की सेवा की है। आज उसके प्राण संकट में है, तो क्या आप उसे बचाने का प्रबंध नहीं करेंगे? चकोरी, तुम अपनी तुलना राजकमल जैसे साधारण गुप्तचर से मत करो।
यह राजनीति का खेल है। अगर हम उसके प्राण नहीं भी बचा सके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? चकोरी, तुम वापस आ गई, यही क्या कम है हमारे लिए? महाराज, आपको पता है महाराज पृथ्वीराज चौहान ने अपने एक साधारण से सैनिक को बचाने के लिए गढ़ी सिरसा पर आक्रमण करके उसे मुक्त करवाया था, और रजकमल तो हमारा गुप्तचर है। चकोरी, तुम हमारी तुलना पृथ्वीराज चौहान से कर रही हो। वो एक साधारण से सैनिक के लिए गढ़ी सिरसा गया था, यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। उसने अपने मस्तिष्क से ज्यादा अपने हृदय से काम लिया था। उसकी इस भावना को मूर्खता ही कहा जा सकता है। देख लेना चकोरी, एक दिन पृथ्वीराज चौहान अपनी इसी मूर्खता की वजह से मारा जाएगा, और मैं उसी दिन की प्रतीक्षा में हूं। महाराज, तो क्या भावनाओं का कोई मूल्य नहीं? भावनाओं का संबंध हृदय से है चकोरी, और राजनीति का संबंध मस्तिष्क से है। और राजनीति हृदय की नहीं, मस्तिष्क की बात मानती है। जाओ चकोरी, विश्राम करो। कविराज, प्रणाम महाराज। जीवता रहे। महाराज, आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? आपने मुझे बुला लिया होता। बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं आप कविराज। आप मुझे काल के मुख से खींच कर लाने का कष्ट कर सकते हैं, मेरे प्राण बचाने के लिए स्वयं काल के मुख में जा सकते हैं, तो क्या मैं यहां आने का कष्ट नहीं कर सकता? महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपके प्रति कुछ भी दायित्व नहीं है मेरा? कविराज, लोग दायित्व की बात तो करते हैं, मगर जब दायित्व निभाने का समय आता है तो यह देखते हैं कि इसमें उन्हें कितना लाभ है और कितनी हानि। मगर आपने तो वो काम कर दिया जो कोई भी नहीं कर सकता था। मेरे प्राण बचाने के लिए स्वयं विष पी लिया आपने। कविराज, स्वर्ण दान करना आसान है, हीरे मोती का दान करना आसान है, पुत्र दान करना भी आसान है, मगर प्राण दान करना आसान नहीं है। कविराज, आपने हमारे प्राण बचाकर जो उपकार किया है हम पर, यह पांडवों का वंशज सदैव ऋणी रहेगा आपका। नहीं महाराज, मैंने कोई उपकार नहीं किया, बल्कि मैं तो आपके नमक का शतांश भी नहीं चुका पाया। महाराज, मैं ऐसे 100 जन भी लूं, 100 बार भी प्राण दूं आपके लिए, तो भी आपका उपकार नहीं चुका पाऊंगा। कविराज, ईश्वर ने हमें कोई पुत्र नहीं दिया, इसलिए हमने अपने दोहित्र को अपना पुत्र बना लिया। मगर आज से मेरा एक पुत्र नहीं, 2 पुत्र हैं। आज से मैं 2 पुत्रों का पिता हूं, एक पृथ्वीराज चौहान और दूसरा चंदवरदाई। महाराज, प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। प्रणाम। हाँ,
अब हमारे मेहमान का स्वास्थ्य कैसा है? महाराज पृथ्वीराज चौहान, बसद एहतराम, सलाम कबूल कीजिए हमारा। महाराज, आपने जो हम पर एहसान किया है उसका बदला तो हम अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। नहीं मीरा सर, इसमें एहसान कैसा, यह तो हमारा कर्तव्य था। महाराज, हमारी जिंदगी की कश्ती एक ऐसे भवन में फंस चुकी थी कि जिसकी तूफानी लहरों से टकरा टकरा कर वो पाश पाश हो जाती। ये तो आप ही थे महाराज जिन्होंने हमारी डूबती हुई कश्ती को जिंदगी के साहिल पर लाकर खड़ा कर दिया। महाराज, हम आपको खुदा तो नहीं कह सकते, लेकिन ना खुदा जरूर कहेंगे। मीर हसन, आपको हमने नहीं, आपकी भाग्य रेखा ने बचाया है। जिंदगी और मौत पर तो उसका अधिकार है, हम तो आपको बचाने का केवल एक बहाना थे। क्षमा चाहती हूं महाराज, आपने हमारे साथ एक अन्याय किया है। अन्याय? कैसा अन्याय देवी? महाराज, जब आपने हमारे प्राणों की रक्षा की थी तब आपने अपना परिचय धरती सिंह कहकर दिया था। आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप स्वयं पृथ्वीराज चौहान हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा देवी, मगर इस बात को छिपाने के दो कारण थे। एक तो ये, उस समय मैं सचमुच धरती सिंह की वेशभूषा में था, और दूसरा, राजनीति के भी कुछ अपने नियम होते हैं। और फिर आपने जिस तरह अपना और यवन कुमार मीर हसन का परिचय दिया, तो उस समय मैंने आप लोगों से अपना नाम छिपाना ही उचित समझा। हां मीर हसन, मेरे यहां आने का सिर्फ इतना ही कारण है कि मैंने अपने राज्य के नागौर क्षेत्र के राजमहल में आप दोनों के रहने की व्यवस्था कर दी है। अब आप दोनों राजमहल में निवास करें, और यहां आप दोनों पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आप इस राज्य में कहीं भी आ जा सकते हैं। मरहबा महाराज, मरहबा। वक्त ने हमारे भाई सुल्तान मोहम्मद शाहबुद्दीन कौरी को हमारा दुश्मन बना दिया, और उन्होंने हम दोनों की मौत का फरमान जारी कर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूं मीर हसन कि तुम्हारे ही भाई ने तुम्हारे विरुद्ध मौत का आदेश क्यों जारी किया था?